मित्तल जी, बात हम सुनो पहले श्री अक्षय जैन जी चेयरमैन ऑफ दिस कॉलेज, श्री आर्यन भट्ट साहब जो कि अभी आपके सामने बोलकर गए, प्रेसिडेंट रहे दिल्ली बार के, बहुत बड़ी एशिया की सबसे बड़ी बार है, बार काउंसिल मेंबर रहे हैं, श्री मुरारी तिवारी जी, आपने देखा होगा कितने लच्छेदार मीठी मीठी बातें आप लोगों के साथ कही, और आप लोगों को एक परिचय मुरारी जी का दे दूं, ये एक ऐसी शख्सियत है, बार काउंसिल दिल्ली में जब मुरारी जी सेक्रेटरी बने तो मेरे से पहले इन्होंने तीन चेयरमैनों को का विदाई समारोह करा दिया, और जब मैं बना तो मैंने कहा मुरारी ये और मेरा आपका लास्ट प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि इतने दिन से आप सेक्रेटरी चल रहे हैं, अब मैं चेयरमैन हूं तो मेरे सेक्रेटरी हो, राष्ट्रपति जी का हमने प्रोग्राम किया इकट्ठा, पूरे देश के चीफ जस्टिसेस थे वहां, सुप्रीम कोर्ट की वकीलों के और आप लोगों के न्यूकमर्स के वेलफेयर के लिए, तो मैंने कहा भाई मैं और आप दोनों एक साथ ही बार काउंसिल के पदों से छोड़ेंगे तो मुझे भी खुशी रहेगी कि तू मेरे साथ चलेगा। आप मानोगे नहीं कि इस शख्सियत ने मेरे बाद भी तीन चेयरमैन निकाल दिए। आना पड़ता है, वहां जैसे आप लोग बैठे हैं
परसों की मेरी फिर मीटिंग है, 19 तारीख की डेट फिक्स है, वहां ऑल ओवर इंडिया से लोग एनरोलमेंट के लिए आते हैं। वहां कोई नहीं पूछता कि आप एनएलयू से आए हैं, कि आप रोहिलखंड से आए हैं, कि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं या मध्य प्रदेश से आए, वहां सब जाके इकट्ठे हो जाते हैं। मेरा केवल कहना आप लोगों से यह है, जो गलतियां आपने कर ली, डॉक्टर नहीं बन पाए, IIT में नहीं जा पाए, वकील बने, तो आप कम से कम तो देखिए, ये एजुकेशन सबसे इजी है दुनिया की, लॉ ग्रेजुएशन सबसे इजी है, लेकिन पैसा कमाना उतना ही कठिन। इस प्रोफेशन में आपको मेहनत की जरूरत है, जैसे जिन बच्चों ने, क्योंकि और बच्चों को हमने नहीं देखा, जो मूड कोर्ट में वो दोनों बच्चियां बैठी हैं, खड़े हो जाइए प्लीज। जिस समय आप तैयार होकर एडवोकेट बनेंगे, एनरोलमेंट कराएंगे, दिल्ली से कराएंगे, तो आपका स्वागत करते हैं, चाहे मैं रहूं, चाहे मुरारी रहे, चाहे कोई और रहे, हम में से ही रहेगा, कोई बाहर का नहीं आएगा कभी। चेयरमैन साहब ये रहेंगे, इनकी कृपा होगी तो हम चेयरमैन बन जाएंगे, तो हमारे वहां बड़ा सिस्टम देखो। लेकिन मेहनत, आपका जो प्रेजेंटेशन है, अभी स्टूडेंट हो आप, क्लाइंट से फीस नहीं मिली, ताकत कहां से आती आपके पास? आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट आर्गू कर रहे थे दोनों, हम लोग पैसा लेने के बाद आर्गू करते हैं। आपने देखा हाईकोर्ट में दो दो घंटे वकील बोलते हैं, वो इसलिए नहीं बोलते कि कोर्ट को दो घंटे लगते हैं समझने में, वो केवल जो क्लाइंट से मोटा पैसा लिया होता है उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। और आपका जो एपीरेंस है अदालत के सामने वो मजबूत होनी चाहिए। ये चीज आज आप यहां से सीख के जाएंगे, तो मैं समझता हूं अभिषेक जी, जो इतना बेहतरीन कार्यक्रम, मुझे तो इस बात की भी खुशी है कि मुझे इस मुरारी जी ने तो कहा कि मैं सुबह का आया हुआ हूं, मेरी स्थिति तो यह है कि 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जब भी इनका आदेश होता है तो मैं बच्चों के बीच में रहता हूं, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि एनरोलमेंट में तो वे लोग एनरोलमेंट कराने आते हैं वकील बनने के बाद। आप वकील बनने जा रहे हो, आप में समय है, आज भी आप अपने आप को चेंज करोगे, और कभी जीवन में ये उसूल मत बनाना, कभी विचार मत करना कि ये लड़का एलएलयू में पढ़ रहा है तो ज्यादा होशियार होगा, ये क्लैट में पढ़ रहा है तो वहां ज्यादा होशियार होगा। एलएलबी सबकी एक सी है, एजुकेशन सबकी एक सी है, केवल आपको समझने की जरूरत है, आपने पर्सनलिटी डेवलपमेंट की जरूरत है, आपको विचारों की जरूरत है। वकील केवल एक वकील नहीं होता, वकील दुनिया का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, समाज का एक प्रतिनिधि होता है, इस बात को भी आप अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। समाज सुधार में जो वकीलों का योगदान है, दुनिया में किसी प्रोफेशन का योगदान है। मुझे आप एक प्रोफेशन बता दीजिए, दो लाइन में बात करते हुए पर्ची मत भेजना। अभी मैंने आप लोगों से कहा कि आप में कोई कमी रही हुई, डॉक्टर नहीं बने, IIT नहीं बने, लेकिन आपको एक मजबूत करना चाहता हूं, एक वकील ऐसी कौन है, जिस दिन बच्चे ने एडमिशन ले लिया और LLB कर ली, और जैसे ही बार काउंसिल से इनरोल हुआ, पड़ोसी डरने लग जाते, रिश्तेदारों के घबराहट शुरू हो जाती, इसका बच्चा, इनकी लड़की वकील बन गई, पता है आपको, तो आपसे कोई पंगा लेने को तैयार नहीं होगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति है। आप घर पर बोर्ड लगाते हैं, फला नाम राकेश द्विवेदी जी, फला शर्मा जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहां समाज में इतना सम्मान हो? आप ये मान के मत चलिए केवल हमने LLB की किताब पढ़नी है, LLB का किताब से कोई लेना देना नहीं। कितने स्टूडेंट्स हैं जो घर बैठे होते हैं, अपना टेस्ट, अपना परीक्षा देता है। और आर्यन वत्स साहब का धन्यवाद, और अभिषेक जी आप लोगों का ये धन्यवाद, आपने मुझे भी बुलाया, इन्हीं शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।